Okay, now the question is, a child is standing in front of a magic mirror. You must have seen these magic mirrors in circus or in some fairs, etc. है ना? तो वहां पे आपने ये मैजिक मिरर्स देखे होंगे. कई बार मैजिक मिरर्स को ना फनी मिरर्स भी कहा जाता है. अजीब अजीब सी इमेजेस बनती हैं. आप उनके सामने जाके खड़े हो तो आपकी अजीब सी इमेज बनेगी. तो शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड स्मॉलर, द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ द लेग्स बिगर. व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम टॉप? So let us see what is the correct answer for this. The image of head is smaller. We know that convex mirror always makes an image which is diminished, virtual, erect and diminished. Virtual, erect and diminished. Always the image is like this. Remember this. So if the head is looking to be smaller, है ना, सर की इमेज छोटी आ रही है, तो पक्का है कि यह कॉन्वेक्स मिरर ही होगा. फिर मिडिल बॉडी ये कैसी है? सेम साइज की है. सेम साइज. प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? ये भी होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल इरेक्ट होना. ठीक है, अब लेग्स की बारी आ जाती है उस स्टूडेंट की. लेग्स जो हैं वो देवर बिगर, लेग्स बिगर थी. तो यहां पे हम कॉनकेव मिरर लेंगे. देखो कॉनकेव मिरर में बहुत सारी अलग अलग इमेजेस बनती हैं. कॉन्वेक्स में तो हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनती है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड. प्लेन मिरर में भी एक ही टाइप की इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज. बट कॉनकेव में 6 टाइप्स की इमेजेस बनती हैं. ये वाला जो कॉनकेव का केस होगा, बिटवीन फोकस एंड व्हेन ऑब्जेक्ट, या एब्सोल्युटली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, देन यू गेट image which is virtual, erect and enlarged. Erect and enlarged. Enlarged yane size mein badi. To isliye jo order hoga wo sabse upar ka mirror part convex ka bana hua hai, uske middle part plane mirror ka bana hua hai aur niche ka part concave ka bana hua hai. To convex, plane, concave, this would be the order and these are the reasons for this.